कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह मियाँ सबको अपने घरों में आबाद रखे। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े, और ये 1 किलो दूध लिया मैंने, जिसको मैंने जो है वो चूल्हा जला के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। 1 कप चीनी ली है इसके लिए मैंने, और कुछ बादाम की गिरियाँ हैं ये ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने ली हैं। कुछ मैं जब दूध बॉयल होगा उसमें डाल दूंगी और कुछ ऊपर गार्निशिंग के लिए रख देंगे। और ये थोड़ी सी इलायची ली है, आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, जैसे भी डालना चाहें। तो इसके साथ मैंने ये ब्रेड के जो किनारे हैं उनको काट के और इस तरह से काट लिया है, एक स्लाइस को दरमियान से काट के, तो इस तरह से 2 टुकड़ों में ये मैंने ब्रेड बना के रख ली है। और अब जब तक दूध गर्म होगा इतनी देर तक मैं उसको फ्राई कर लूँगी अपनी ब्रेड को। तो ये दूध ऊपर मैंने रख दिया है, दूध जैसे ही इसमें उबाल आएगा और ये गर्म होगा उसके बाद इसमें हम ये इलायचियाँ और चीनी डाल देंगे, थोड़े से जो है वो बादाम मैं इसके अंदर डालूँगी और बाकी गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले आपको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे तो ये नमकीन ईद है, लेकिन मीठा भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नमकीन खाने के बाद मीठे को दिल करता है, और ख़ास तौर पर सुबह जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसके बाद जो है फौरन आके जो है वो मीठा खाया जाता है। तो ये मैं मीठे की तैयारी कर रही हूँ, ये ईद की रात है और वीडियो थोड़ी देर से जो है वो मैंने बनाई थी, ज़रा रात को लेट में ही मीठा बनाया मैंने, तो मैंने कहा चलें ये आपके साथ मैं शेयर कर दूं, क्योंकि हमारी तो तीनों दिन ईद होती है। ईद के पहले दिन अक्सर आप जब बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा लेते हैं तो फिर आपका मीठा खाने को दिल करता है। तो ये ऐसी एक जो है वो क्विक सी रेसिपी जो कभी भी आप बना सकते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी, मेहमानों को सर्व करने के लिए भी आप रख लें। तो ब्रेड के जो पीसेस थे उनको मैंने फ्राई कर लिया है, फ्राई करने के बाद ये देखिए इस तरह से इनको मैंने ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया है, और इस तरह से आपने ब्राउन कर लेने, ये बड़े क्रिस्पी से बन जाते हैं। अच्छा, मीनवाइल मैंने दूध में इलायचियाँ भी और चीनी ऐड कर दी थी, बादाम भी उसमें मैंने डाल दिए थे, थोड़ा सा मैंने ज़ाफ़रान पानी में मिक्स करके वो मैंने इसमें डाल दिया था, और ये देखिए उसका कितना अच्छा कलर आया है। तो बस अब दूध को थोड़ा सा मैं पकने दूंगी ताकि थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, और जब दूध हमारा गाढ़ा होगा तो उसके बाद हम इसको उनके ऊपर जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनके ऊपर डाल देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखे हैं। ये देखिए दूध मेरा तकरीबन आधा हो चुका है, पक के आधा रह गया, 1 लीटर के करीब दूध था और अब तकरीबन आधा रह गया। तो इस तरह से कोई भी गहरी डिश आप ले लें उसमें आप जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं फ्राई हुए उनको इस तरह से आप नीचे सेट कर लें, और उसके ऊपर जो भी आपने बैटर बनाया है शाही टुकड़े का वो इस तरह से उसके ऊपर फैला दें। आप चाहें तो उसको चीनी में डिप भी कर सकते हैं जो आपके ब्रेड के स्लाइसेस हैं, लेकिन क्योंकि उसमें मीठा है काफ़ी जो मैंने बैटर बनाया है तो इसलिए मैंने नहीं उसमें डिप किया। तो ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार मीठा तैयार है शाही टुकड़े, और आप भी इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि नमकीन ईद है तो उसके साथ मीठा भी बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो, और बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।